हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में बात करेंगे और आखिरकार सबसे बड़ी खबर आई है और सबसे बड़ी खुशखबरी भी आई है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और डिटेल में आपको जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए देखिए बहुत परेशान हो आप, मुझे भी पता है, और खास करके एस्टेट वाले बच्चे के लिए जो है परेशानी है। जिन लोगों ने एस्टेट का एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है, तो क्या किया जाए? इंतजार के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, या फिर आप RTI लगा सकते हो कि एस्टेट का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं जारी किया गया, क्योंकि इससे TRE 3 से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना TRE 4 से है। तो ऐसे में सरकार अभी तक इसकी भर्ती प्रक्रिया को इसके रिजल्ट प्रक्रिया को क्यों नहीं जारी कर रही है, सरकार ही बता सकती है, या फिर जो बिहार बोर्ड है, जो एग्जाम जिन लोगों ने कंडक्ट कराया है वही जान सकते हैं, और अधिकारी लोग ही इसके बारे में जो है डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अभी तक इसके बारे में कोई इनसाइड न्यूज नहीं है। बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा जो अभी जो है लेटेस्ट खबर आई है उसके बारे में, लेकिन जिनका TRE 3 में अच्छा स्कोर नहीं हुआ है या फिर उनका नहीं हो पाता है और आपने TRE 1 2 3 भी एग्जाम दिया है और आपको लगता है कि नहीं, एक प्रॉपर गाइडेंस की आपको जरूरत है और आपको लग रहा है कि हाँ इस गाइडेंस के साथ, इस मार्गदर्शन के साथ आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो यहां से मैं आपको एक जो है ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। यहाँ से आपको टीचिंग परीक्षा ऐप के जो जितने भी धुरंधर शिक्षक हैं वो आपको दिख रहे होंगे, दानी सर यहाँ पे आपको बीच में दिख रहे होंगे। तो देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि ये तो पेड प्रमोशन है, यहाँ से क्या ही जानकारी आपको मिल पाएगी, तो मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताना चाहता हूँ। आप लोग सीधे सीधे टीचिंग परीक्षा ऐप के यूट्यूब चैनल पर चले जाइए और वहाँ से देखिए, और जो लोग सच में TRE 1 2 3 की परीक्षा की तैयारी करके एग्जाम देने जा रहे थे उनको पता होगा कि टीचिंग परीक्षा के द्वारा कितने अच्छे से यूट्यूब पे भी जो है तैयारी की कराई गई थी। अब कोर्स के बारे में मैं आपको जो 2-3 चीजें हैं वो हाईलाइट करके बता देता हूँ, बाकी सब जगह पे सब कुछ मिलता है, बट यहाँ पे जो चैप्टर वाइज PDF वाला नोट्स है ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। इसके अलावा MCQ टेस्ट, चैप्टर पढ़िए MCQ टेस्ट दीजिए, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। 50 मॉक टेस्ट आप जो है एक बार में मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैप के थ्रू आप पढ़ोगे, NCERT SCERT बुक के अलावा पढ़ोगे, तो वो सब चीज़ें आपको और जगहों पे नहीं देखने को मिलती है। 5,000 रुपये में आपको जो है एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल जो मिलता है, चाहे वो माइंड मैपिंग की बात की जाए, जो 65+ PYQs हैं वो आपको मिल जाएगा, और रिविजन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ से अगर आपको 51% मैक्सिमम डिस्काउंट का लाभ लेना है तो यहाँ से कूपन कोड आपको दिख रहा होगा Mithun51 आपको लगाना है, और आपके सारे कोर्स पे जो भी कोर्स आप लोग TRE 4 में, चाहे वो TGT का हो, PGT का हो, PRT का हो, आपका 51% डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ से आपको जो है नंबर भी दिख रहा होगा, कोई डाउट हो तो इन नंबर पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाय द वे, मैंने सभी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखे हैं, वहाँ से आप जा सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से टीचिंग परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं सीधे लौटता हूं न्यूज पर। यहां से आपको एक व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, अब ये स्क्रीनशॉट है किनका, तो देखिए न्यूज 18 के रजनीश कुमार जी हैं, जिनके जितने भी प्रिडिक्शन हुए हैं 98% एक्यूरेसी के साथ उन्होंने जो है सभी रिजल्ट को प्रिडिक्ट किया है। रिजल्ट का मतलब ये आंसर की जब आने वाली है उन्होंने बताया, आंसर की आया, फाइनल आंसर की के बारे में भी सारी जानकारी इनके द्वारा दी गई थी। भर्ती में रोस्टर प्रक्रिया के कारण रिजल्ट देर हो रहा है, ये बात इन्होंने पहले भी बताई थी, इस वजह से जो है आपको देखने को मिलेगा। तो 1 to 8 का, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 का जो रोस्टर है वो कल शाम तक GAD को जाएगा, इसके बाद जो है भर्ती की रिक्तियों के बारे में जानकारी मिलेगी, तभी रिजल्ट जारी होगा। TGT और PGT का जो रोस्टर है वो कल भेजा जाएगा, इसके बाद सुधार के बाद जो है रोस्टर को तैयार किया जाएगा, और प्राप्त होने के बाद 5 नवंबर तक जो है आयोग को भेजा जा सकता है, और फाइनल रूप से जो है रोस्टर TRE 3 का रिजल्ट जो है 15 नवंबर के बाद ही जारी हो पाएगा। अब देखिए जिस तरह से, देखो एक्चुअली क्या है ना कि ये 65% रिजर्वेशन को लेकर जो है चीजें अटकी हुई है और रोस्टर भी जो है क्लियर नहीं हो रहा है, इस वजह से जो है बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3 का रिजल्ट आपको देखने में जो है लेट हो रहा है। अब देखिए, भगवान करे कि ये रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 15 नवंबर के बाद और 30 नवंबर के पहले इसका रिजल्ट नहीं जारी होगा, इस बीच में जो है रिजल्ट जारी हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज देखिए सरकार भी जो है उदासीन है बहुत ज़्यादा, इन्होंने अधिकारियों के ऊपर जो है शिकंजा नहीं कसा है, जिस वजह से रिजल्ट आपको जो है और देर में देखने को मिलेगा। बाय द वे, बिहार से या फिर यूपी से या फिर झारखंड से आप इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं नीचे कमेंट करके आप लोग लिखेंगे कि इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, वीडियो को आपने यहां तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।